बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakdeal.com.pk। व्यूअर्स, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया कि आज की जो बहस है वो हमारी है रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की बढ़ती हुई शरह और जो लोगों का आगे से रद्द अमल। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रोड पे पार्क करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो, और उसके बाद जो है हम आगे से बात करेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें मेरे साथ फेस हो रही हैं लाजमी बात है वो आप तमाम दोस्तों के साथ भी होती होंगी। और अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमारे पास कुछ गैदरिंग है, हम अपना पॉइंट आगे बढ़ाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप उनसे भी कुछ सबक हासिल करें, और आप भी, और बशमूल मेरे भी, और हमारे तमाम दोस्तों के साथ जो जो चीज़ें हम गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, हम उसे बचें। नंबर वन बात होती है कि प्लाजों के बाहर जो थोड़ा सा एक माफिया टाइप बना हुआ, ये कि जो मेरे साथ फेस हुआ एवान प्लाजा भावलपुर के बाहर एक जगह पे, जो आप सब जानते होंगे अगर क्योंकि भावलपुर से, पार्किंग की जगह छोड़ के आगे कॉर्नर पे एक रिक्शा और एक साइड पर रिक्शा ले खड़े, ठीक है, वो भी पैसेंजर्स के लिए होते हैं, उन्होंने भी रोज़ी रोटी कमानी है। हमने भी, अगर हम अपने घर वालों को या किसी दोस्तों को लेने जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो भी एक लोकल पैसेंजर, यानी कि हम लोगों के लिए ही खड़े होते हैं। वहाँ के गार्ड्स और जो उनका भी जो भी माफिया, वो आपस में जो भी लेन देन है वट एवर द रिमार्क्स, जो रिक्शा लेके ये थे कि जी ये हमने यहाँ सदर जो है हमसे पैसे लेता है, चिंकी एक मंजूर की गई यहाँ पर और दूसरी चिंकी एक मंजूर की गई यहाँ पर, गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं, लोगों को लेती हैं, पार्किंग में जो नहीं खड़ा होता, मीन किसी की वेटिंग में ड्यूल इंडिकेटर चल रहा होता है, तो जहाँ पे मेरी उसे ये बहस हुई कि भाई तुम रिक्शा थोड़ा सा आगे कर लो, मैं भी आगे कर लेता हूँ गाड़ी, ताकि जो है वो पार्किंग के अंदर जो जगह है उनका रास्ता क्लियर हो जाए। आगे कहता है कि जी मैंने यहाँ सदर को पैसा दिया हुआ है, मैंने रिक्शा यहाँ का बुक है, मैंने यहाँ से रिक्शा नहीं हटाना, तुमने अपनी गाड़ी आगे जहाँ मर्जी लेके आने ले जाओ। किसी एक को पैसा देना, वो जगह बलदियाती है, सरकारी है, रोड है, वो किसी की जागीरदारी, किसी की मालिक नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे से बड़ों के लिए, वो एक किस्म का साइड पर। जहाँ तक रहेगी पार्किंग की बात, जो पार्किंग का लॉट है वहाँ पे गाड़ियाँ कोई भी लाके खड़ी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे जो पर्ची माफिया सिस्टम है अब वहाँ पे पर्ची दे सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं, या पार्किंग के लॉट के अंदर नीचे जा सकते हैं अब वहाँ भी रुक सकते हैं। तो वहाँ पे खैर काफ़ी बहस मुबासा हुआ, आगे से कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उनको पता है जो गार्ड है वो मेरी बहस उनके बाद में नहीं आई, क्योंकि उसको पता है मैंने इनसे पैसे भी लेने हैं, चाय भी पीनी है, सिगरेट भी पीनी है, और मैं इनको जो है वो जाने देता हूँ। देखें, अगर अरबाब इख्तियार अगर हमें सुन रहा है तो ब्राय मेहरबानी इन चीज़ों में फोकस करें। जहाँ तक बाज़ार में अगर रिक्शे आते हैं, मोटरसाइकिल आते हैं, तो गाड़ियाँ भी आती हैं, उन्होंने भी पैसेंजर्स को लेने होते हैं, पैसेंजर को छोड़ने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें और पैसेंजर जो है वो इसी से खिलाफ करें। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम तमीज़ के दायरे में रहते हुए वीडियोज़ के अंदर नहीं बात कर सकते, मगर इस बात को लंबे भी करने जाते हैं, अगर कोई जा सकता है तो वहाँ जाके देख सकता है। दूसरी बात है रोड साइड के बढ़ते हुए एक्सीडेंट। रोड साइड पे जो एक्सीडेंट होते हैं रोड पे जितने भी हैं, वो आपकी तेज़ रफ्तारी, आपका जो है वो मेंटल लेवल दुरुस्त नहीं है, आप गाड़ी चलाते हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपकी एक सेकंड की नज़र, या आप एक नज़र का जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर, या आप कह लें नर्वसनेस अगर आपके ऊपर आ जाती है, तो विद इन अ सेकेंड, विद अ नैनो सेकेंड जो है वो आपकी गाड़ी भी तबाह हो सकती है, पिछले लोगों को भी परेशानी है। अक्सर लोगों को क्या होता है कि उनको शौक होता है कि ओवरटेकिंग लाइन पर रहें, मगर बहुत स्लो स्लो धीमे रास्ते के साथ, जैसे किसी लॉन्ग ड्राइव है, ठीक है, आपने चलानी है, स्लो चलानी है, आप ओवरटेकिंग लेन को छोड़ दें, निचली लेन पर हैं। निचली लेन पर पार्किंग का भी इशू है, पीली लाइन के लोग बाहर गाड़ी नहीं उतारते, अंदर उतार देते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आप स्लो हैं, आपका दिल कर रहा है मैंने स्लो चलाना है, आपको कोई पीछे से बंदा हॉर्न दे रहा है, डिपर दे रहा है, कोई इशारा दे रहा है भाई रास्ता दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इशारे कर दें, ऊपर से गुजर जाओ, जहाज़ बन जाओ, या जो कर ले, मैंने नहीं हटना। देखें, आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में, एमरजेंसी में होता है, टाइम का हर किसी को इशू होता है, किसी ने ऑफिस पहुंचना है, किसी का कोई पेशेंट है, चले किसी को छोड़ें, कल को आपके साथ फ़र्ज़ करें हो जाए, मीन मेरी जगह कोई और बंदा है, वो आपको अगर रास्ता ना दे, वो आपसे ज़्यादा बदमाशी जानता हो, वो आपको रास्ता भी ना दे रहा हो, आप जो मर्ज़ी कर लें, फिर आप क्या कर सकें। सबसे पहले एक दफ़ा ये सोच लिया करें, यहाँ तो नॉर्मल गाड़ियाँ, लाजमी बात नहीं है कोई भी बंदा एमरजेंसी में उसकी टांग टूट गई है, बाजू टूट गया है, या जो भी कोई मसला है, या सर फट गया है, वो एम्बुलेंस में जा रहा हो, अपनी पर्सनल कन्वेंस में अपने ड्राइवर के साथ भी जा रहा होगा, उसका एमरजेंसी हो सकती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ कितने हैं, शुगर के मरीज़ कितने हैं, किसी को एमरजेंसी हर हाल में पहुँचे, कोई डिलीवरी केस है, कोई कुछ, आपके एक सिर्फ हड हरामी की वजह से जो है ना वो गाड़ी वाला, या वो जो उसके अंदर जो होगा पेशेंट है, या उसकी कोई एक सेकंड की डिले की वजह से उसे करोड़ों रुपए का भी नुकसान हो सकता है, उसकी ज़िंदगी मौत का भी सवाल हो सकता है, ठीक है। अगर आपको जल्दी है, आप हॉर्न डिपर देते रहते हैं, क्योंकि आपकी तमीज़ और तरबियत में अगर ये चीज़ वाजे कर दी जाती है
कि भाई बदतमीजी करके रोड से निकल लें तो ठीक है निकल लें, मैं कुछ लोग तमीज़ के दायरे में रह के भी रास्ता मांगते हैं मगर आप लोग उनको नहीं देते। इसी वजह से या तो गाड़ी हिट होती है या रेस लगती है, जब रेस लगती है तो आपको भी चुल्लाएगी उसको भी चुल्लाएगी और आगे से रेस लगेगी और आगे जाके रोड हिट हो जाएगी, किसी का एक्सीडेंट होगा। दूसरी बात, जो मेन हब के ऊपर जो रोड जो साइड लिंक रोड लिंक करती है, हम लोग उससे निकलते हैं, हम ना दाएँ देखते हैं ना बाएँ देखते हैं, अपना रूट पकड़ते हैं जाने देते हैं। कई दफ़ा इन द पीक आवर्स रश आवर्स स्कूल से बच्चों को लेना है, ट्यूशन को छोड़ना है, या आपने खुद जाना है, या आपने आना है, या किसी ने भी आना है, तो सर यही होता है कि लोग बगैर इधर उधर देखे लिंक रोड से निकलते हैं, डायरेक्ट मेन हब लाइन में आते हैं और पीछे देखते नहीं। गाड़ी अगर पीछे जो मेन रोड है यहाँ पे 40 या 50 की स्पीड लिमिट है, आप अगर एक साइड रोड से आ रहे हैं, आप यू टर्न लेके या लिंक क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं, तो आपकी स्पीड उससे 10-20 होगी, ठीक है। जो पीछे से एक मोशन पकड़ती हुई गाड़ी आ रही है 40-50 की स्पीड से, क्या उसकी इतनी ब्रेक्स हो सकती हैं कि वो आपको रोक ले? आपको हॉर्न देंगे, आप आगे से आंखें निकाल के उसको पड़ते हो कि नहीं भाई यहाँ तो मैं नहीं हट रहा है, तेरी गलती है, तू डांट रहा। कई दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है, इवन के कई दफ़ा मेरी खुद गाड़ियाँ जो हैं वो लगती लगती बची हैं। जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं, मेरे दोस्त, उनको ही पता होता है कि क्या डेली का सीन मेरे साथ हुआ है। एंड मैं पब्लिक सर्विस मैसेज यही है कि तमाम दोस्त जितने भी हमें देख रहे हैं, बजाते खुद अगर वो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के, तो उनको यही रिक्वेस्ट की जाएगी, या तो वो खुद पहले सुधर जाएं, अगर वो पेरेंट्स हैं किसी बच्चों के, तो ये सबक आमोज़ एक वीडियो उनके लिए हाजिर है कि अपने बच्चों को भी समझाएं कि खुदा का वास्ता रोड पर आप ध्यान से लें। खुसूसन कॉलेज से जब छुट्टी होती है, स्कूल से छुट्टी होती है, यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती है, तो हम यही देखते हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? शुगल मेला, दोस्त मस्ती क्या करते हैं, वो एक दूसरे को एक किस्म कहते हैं कि यार बस स्पीड मारो और चलें रेस लगाते हैं। एंड में क्या होता है ना, वो इधर देखते ना इधर, कई दफ़ा मेरे सामने खुद ही हुआ, मेरे साथ खुद हुआ, मेरे सामने एक दफ़ा मेरी गाड़ी के आगे बंदा आ गया था, वो अल्लाह का शुक्र है नीचे नहीं आया, बच गया, मेरी गाड़ी बच गई, बंदा ही बच गया, उसको चोट शोट नहीं लगी। नहीं तो फिर आपको पता है कि कोर्ट कचहरी ये मामला तो बहुत चलते हैं, तो कई देखे भी हैं, कई करते भी हैं। बहुत कैसे चल गई, तो असर उम्मीद है कि अल्लाह करे असर 100% हो, बशमूल मेरे भी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।